ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ पंचायत की अपनी मेंबरी को। कजरी, अब तुम भी हार मानने लगी? नहीं मास्टरनी जी, मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ, पर अगर घर में ही कलेश रहा तो कैसे पूरी करूंगी अपनी जिम्मेदारी। नहीं कजरी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि अपने पति को भी समझाना है। देखो, पंचायती राज ने तुम्हारे दामन में जो अधिकारों की किरणें भरी है, तुम्हें उन किरणों से गांव में एक नया संसार रचना है। एक ऐसा संसार जिसमें सब लोग बिना किसी भेदभाव के मिलकर आगे बढ़ सके। ठीक है मास्टरनी जी, मैं जतन करूंगी अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करने का। तुम्हारा जतन अगर सच्चा होगा तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई बताएगा मुझे ये पत्थर किसने काटे हैं? जहाँ पंचायत की बैठक होती हो वहाँ इन पत्थरों का क्या काम? इन्हें पत्थर मत कहिए प्रधान जी, इनके आगे शीश नवाइए। ये तीनों देवियों की मूर्तियाँ हैं, और आप तो सदा मूर्तियों का सम्मान करते रहे हैं। ये मूर्तियाँ तुमने स्थापित की है कजरी? जी हाँ, पंचायत के लिए चुनी गई गांव के हम तीन औरतों ने ही इन मूर्तियों की स्थापना की है। ये तीन मूर्तियाँ हमारा ही रूप है, हमारा ही प्रतीक है। तुम कहना क्या चाहती हो कजरी? जीतपाल जी, कल देवी माँ हमारे सपने में आई थी, उन्होंने ही कहा कि हम पंचायत में खुद ना जाकर वहाँ निशानी के तौर पर अपनी मूर्तियों की स्थापना कर दें। अब पंचायत में मान सम्मान पाने का यही एक तरीका है। आखिर ये कैसा तरीका है मान सम्मान पाने का? क्यों जीतपाल जी, क्या आप पत्थर की बेजान मूर्तियों का सम्मान नहीं करते? क्योंकि वो आपके किसी फैसले पर उंगली नहीं उठाती। आप जो करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, उसमें रुकावट भी नहीं बनती, इसलिए आप उनसे खुश भी रहते हैं। तो क्या ऐसा सौभाग्य हम तीन मेंबर औरतों को नहीं मिल सकता? और वैसे भी आप भी तो यही चाहते हैं। पर हम कैसे मान लें कि देवी माँ तुम्हें सपने में आई थी? चिंता क्यों करते हो जीतपाल जी, सपने हकीकत का ही रूप होते हैं, और कजरी ने जो कहा क्या वो हकीकत नहीं है? आप नारी की निर्जीव प्रतिमा में देवी का रूप देखते हैं, उसके सामने शीश नवाते हैं, उसे फूल मालाएं चढ़ाते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं, पर जब कोई नारी प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने अपने अधिकार रखती है, आपके साथ भागीदार होकर विकास की राह में आगे बढ़ना चाहती है, तब आपके अहंकार को चोट पहुंचती है। आज पंचायत राज ने गांव की औरतों को यह मौका दिया कि वो सबके साथ मिलकर आगे बढ़े, उसके अस्तित्व को एक नया रूप मिलने वाला है। आप उसके उस रूप को ही नकार रहे हैं। आज उसके अपने परिवार वाले लोग उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पत्थर की मूर्ति के रूप में नारी का सम्मान और एक जीवित नारी का अनादर। कथनी और करनी में ये भेद कब मिटेगा जीतपाल जी? कब दूर करोगे अपने मन से दंभ के इस दर्प को? निर्मला देवी के इस सवाल का जवाब गांववासी अपनी जुबान से नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो मन ही मन फैसला कर चुके थे कि जवाब जरूर देंगे। पंचायत के लिए चुनी गई महिलाओं से सहयोग दिखाकर, उनकी राय को सम्मान देकर, अपने साझे प्रयत्न से पंचायती राज को कामयाब बनाकर, और शायद इससे बेहतर कोई तरीका था भी नहीं अपने मन से उठते इस जवाब को साकार करने का।
आज इस जवाब के साकार होने का नजारा इस गांव की तरह देश के अनेक गांवों में देखने को मिल रहा है। पंचायतों के जरिए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जरूरतमंद गांव वासियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं को मान सम्मान दिया जा रहा है। महिला पंचायत सदस्यों के फैसलों पर अमल हो रहा है। ग्राम स्वराज का यही सपना तो बापू गांधी ने देखा था, जिसे आज पंचायती राज के जरिए पूरा किया जा रहा है।